ध्यान से देखेंगे बेटा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका पहला क्वेश्चन है किस चीज पे, डबल कॉलम कैश बुक पे, डबल कॉलम कैश बुक पे, तो आने के चांसेस 99% डबल कॉलम के ही हैं। बट बात सेम है, रूल सेम है, सिंगल कॉलम के डबल कॉलम के रूल सेम है, बट फर्क क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे कैश और बैंक साइमल्टेनियसली डील करना है, कैश और बैंक साइमल्टेनियसली डील करना है। तो डबल कॉलम कैश बुक फॉर्मेट, लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर्स कैश एंड बैंक, डेट पर्टिकुलर्स कैश एंड बैंक, डेट पर्टिकुलर्स कैश एंड बैंक। फोलियो कौन सा बनता है कैश बुक में, लेजर फोलियो। फोलियो कौन सा बनता है, लेजर फोलियो। फॉर्मेट में किसी को डाउट, चलो क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ध्यान से देखेंगे प्लीज। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज बताऊंगा, एक होता है कॉन्ट्रा एंट्री, एक होता है कॉन्ट्रा एंट्री, इसको बस थोड़ा सा अलाइनमेंट देख लेते हैं, ठीक है सेंटर, ओके। ध्यान से देखेंगे, क्या हुआ ये कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, ध्यान से देखेंगे। कॉन्ट्रा एंट्री कॉन्सेप्ट एक छोटा सा, कैश बुक से रिलेटेड, कौन सी कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड, क्या होती है कॉन्ट्रा एंट्री। इट इज अ ट्रांजैक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इन विच बोथ कैश एंड बैंक अकाउंट्स आर इन्वॉल्व साइमल्टेनियसली, आर इन्वॉल्व साइमल्टेनियसली। इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इन विच बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर इन्वॉल्व साइमल्टेनियसली। एग्जाम्पल, कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, क्या जर्नल एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो इस ट्रांजैक्शन में बैंक अकाउंट भी इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट भी इन्वॉल्व है। कैश विड्रॉन, कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर फॉर ऑफिस यूज, फॉर ऑफिस यूज, कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज, इसकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज, कैश टू बैंक। और एक एग्जाम्पल होता है ट्रांसफर ऑफ फंड्स, ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक, ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। आपका एक बैंक अकाउंट है HDFC, एक है ICICI, तो HDFC से ICICI में पैसे ट्रांसफर करें, दैट वुड बी अ कॉन्ट्रा एंट्री, दैट वुड बी अ कॉन्ट्रा एंट्री। बट हमारे कोर्स में दो बैंक अकाउंट्स के क्वेश्चंस हैं नहीं, तो बट थियोरेटिकली आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान क्या देना है, कॉन्ट्रा एंट्री एक ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिसमें कैश एंड बैंक दोनों इन्वॉल्व है, बट एक डेबिट हो रहा है एक क्रेडिट हो रहा है। मतलब सर, अब सोचो आपने गुड्स खरीदे 50,000 के, जिसमें से 20,000 आपने पेमेंट करी कैश में, 30,000 पेमेंट करी बैंक से, तो एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश टू बैंक, दैट इज नॉट अ कॉन्ट्रा एंट्री, दैट इज नॉट अ कॉन्ट्रा एंट्री, ऑल्दो थियोरेटिकली बोथ कैश एंड बैंक अकाउंट्स आर इन्वॉल्व इन दैट ट्रांजैक्शन। तो व्हेन वी से बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर इन्वॉल्व साइमल्टेनियसली, इसका मतलब होता है एक डेबिट हो रहा है एक क्रेडिट हो रहा है, पैसा आ रहा है बैंक से, मतलब कैश डिपॉजिट हो रहा है बैंक में, एक डेबिट हो रहा है एक क्रेडिट हो रहा है, क्लियर। कॉन्ट्रा एंट्री इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है,
कैश बुक में यूज होगा।